हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ नंबर फ्रॉम एडवांस। तो आज हम आपके लिए नई केमिस्ट्री के लिए वीडियो लेकर आए हैं। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है उसके लिए सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें वो तैयार करके जाएंगे। हमने आपसे वादा करा था कि हम वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे केमिस्ट्री की, ठीक है, और इसके बाद हम लेकर आएंगे बायोलॉजी की वीडियो एंड उसके बाद मैथ्स के लिए, ठीक है। तो अभी फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोग स्टडी कर सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो कुछ ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल, हर टाइप की केमिकल इक्वेशन को आप स्टडी करेंगे और उसके एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से करेंगे। करोजन, आपको ध्यान होगा लेयर बाय लेयर किसी मेटल का झाड़ना, वो क्या होता है, करोजन होता है। इसके इफेक्ट्स और प्रिवेंशन आप अच्छे तरीके से करेंगे। करोजन के इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसके प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से इसे हम बचा सकते हैं करोड होने से किसी भी मेटल को। रेंसिडिटी के प्रिवेंशन आप बहुत अच्छे तरीके से करके जाएंगे क्योंकि मार्क्स में, अच्छे मार्क्स में पूछ लेता है क्वेश्चन को। और बैलेंसिंग इक्वेशन की रिएक्शंस की बहुत आती है, बार बार आती है, बार बार पूछते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग रिएक्शन की करना और डिफरेंस बिटवीन, आपको इस चैप्टर में, मैं तो कहूँ आपको सारे चैप्टर्स में जिस भी सब्जेक्ट में आपको डिफरेंस बिटवीन मिले आप उसे ज़रूर करके जाएँ। आपकी याद नहीं हो रही, कम से कम पढ़ के तो चले जाएँ भाई साहब, जब तो आप मार्क्स गेन करेंगे, अदरवाइज कैसे होंगे मार्क्स गेन। तो और अब बात करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आता है और बहुत डीपली बातें पूछता है। मैंने सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें लिखी, आप थोड़ा बहुत डीपली इसमें अंदर घुसने की कोशिश करना, लेकिन अगर आप यही चीज़ें करके चले जाओगे तो आपका मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। मेरा नाम बराबर है, आप मेरी गारंटी ले लीजिए चाहें, ठीक है। इसमें डिफरेंस आप करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंस तो भाई सब करने ही पड़ेंगे। एसिड एंड बेसिस में डिफरेंस बहुत पूछता है, बार बार पूछता है, एग्जाम्पल पूछ लेता है एसिड एंड बेसिस के, एग्जाम्पल क्या क्या है बहुत पूछता है। इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, आप नेचुरल, सिंथेटिक और अल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इन तीनों को आप स्टडी करके जाएंगे अच्छे से, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब एसिड एंड बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें आप अच्छे से स्टडी करेंगे। जैसे कि रिएक्शन अगर मेटल की हम एसिड या बेस से करेंगे तो हमें क्या फॉर्मेशन मिलेगा, मेटल कार्बोनेट की अगर एसिड बेस से कराएंगे तो क्या होगा, आप रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में मैं इसे कह सकता हूँ क्योंकि ये रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस है, क्योंकि इस रिएक्शन का दूसरा नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल, ठीक है। और उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, अगर मेटल ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आप ये चार टाइप की रिएक्शंस को अच्छे तरीके से करके जाएं और एग्जांपल भी इसके अच्छे तरीके से करें। डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंड पीएच स्केल, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल को बच्चों को कभी समझ में नहीं आता और उसे छोड़ के चले जाते हैं। मैं कहूँ अगर आपके समझ में नहीं आया कम से कम भाई सब याद कर जाओ, याद तो करके जा सकते हैं, बहुत अच्छे। यूजेज ऑफ पीएच, पीएच के यूजेस बार बार पूछता है, पीएच का याद होता है तो भाई सब पीएच तो यूज हो ही जाएंगे हमारे पास। एसिड रेन क्या होती है उसका आप, ये तो बायोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एसिड रेन के ऊपर अच्छे तरीके से करके जाए। सॉल्ट्स, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पीओपी, जैसे कि CuSO4 प्लस सॉरी CaSO4 हाफ H2O, इसके बारे में पूछ लेता है। ये आपका बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के बारे में आपसे पूछ लेता है, स्टडी करवा लेता है, ठीक है। उसके बाद आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसमें खाली ऊपरी ऊपरी चीज़ें ली हैं, आप लोग इसे डीपली अगर कर सकते हो तो कर लीजिए, ठीक है। किसी की मदद लीजिए, कमेंट्स में हमसे पूछिए किस तरीके से कौन सी चीज़ होंगी। और अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसे बहुत अच्छे से करके जाना। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से बहुत कुछ आता है, एक छोटे छोटे पॉइंट का क्वेश्चन पूछ लेता है। डिफरेंस बिटवीन, देखिए वो तो मैंने आपको बता दिया है, हर चैप्टर में आपको पूरी साइंस में जिसमें भी मिल जाए आपको उसका डिफरेंस बिटवीन करके ही जाना होगा, अंडरस्टूड। हर किसी का डिफरेंस बिटवीन, इसमें भी आपको जितने भी डिफरेंस बिटवीन मिले सब करके जाइए। रिएक्टिविटी सीरीज, अभी जो आपका पेपर हुआ था 10th क्लास में आपने ध्यान दिया होगा, लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में वो था आपका रिएक्टिविटी सीरीज में, एक पॉइंट था आपका। रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन एक्सेट्रा वगैरह, ये जो जितने भी हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के, आप लोग इसे करेंगे।
हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, किस तरीके से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है सिंपल, और ये आपका एनसीईआरटी में टॉपिक भी है। ये जो हम जितना भी बना रहे हैं सब आपका टोटली एनसीईआरटी में से बना रहे हैं, क्योंकि लगभग 100% आप ये समझिए 100% आउट ऑफ 70, ठीक है, आपका एनसीईआरटी का ही सिलेबस होता है जो उसमें एक्चुअल में आता है। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स सॉल्ट्स, ठीक है, आप इसे भी करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ध्यान रखें ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, ना कि साइंस का, ठीक है, आप लोग इस तरीके से आप इसे समझ लें। जैसे कि कार्बन एंड इस कंपाउंड, ये चैप्टर नंबर 4 है, आप इसमें बॉन्ड्स को समझेंगे, आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इनका सबका आप लोग स्ट्रक्चर खुद देखेंगे। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करना है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे आप नोट कर लीजिए, सब चाहे तो लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में एथर, कीटोन और अल्कोहल देखेंगे आप। IUPAC नेम बहुत ज़्यादा आता है, आप इसे स्टडी करेंगे IUPAC नेम, वो छोटे छोटे एक एक दो दो मार्क्स में आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द IUPAC नेम, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, अंडरस्टूड, डिफरेंस है एक्चुअल में, ये डिफरेंस ही है, इन दोनों में डिफरेंस वो पूछता है। होमोलोगस सीरीज के बारे में पूछता है, रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, ठीक है, इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे, ये इसके रिएक्शंस हैं। उसके बाद एथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड विद प्रॉपर्टीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद सोप और मिशल वगैरह, इसका फॉर्मेशन, सोप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को ये और बताना चाहूँगा कि आप अब भी निराश मत हो, ये आप लोग पास हो जाएंगे अगर हमारे इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मॉडर्न पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास मॉडर्न डोबनियर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडेलिक पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इन सारे इंपॉर्टेंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। अब इसके बाद कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है वो, ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसमें ये भी पूछ लेता है क्या चीज़ मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने बनाई, वो ये भी पूछ लेता है, और इसके साथ साथ वो इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी पूछ लेता है, ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर की सबों की तैयारी करेंगे। अब दूसरी बात, सर आपने तो इतना बहुत सारा बता दिया, तो भैया एक बात को सुन लीजिए, हमने बहुत सारा नहीं बताया, ये सब आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो आप लोग क्या करिए, कोई भी गाइड उठाइए, NCERT उठाइए, सपोर्ट बुक उठाइए, जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मेट दिया है सीरियल वाइज इसे चेक करिए, उसे पढ़िए। आपके पास अब वैसे इतना टाइम नहीं, लेकिन इन्हीं चीज़ों को आप पढ़ के ही पास आउट हो सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइंस एग्जाम, एंड नेक्स्ट विल बी द कम ऑफ बायोलॉजी वीडियो। थैंक यू एवरीवन।